जैसे कि मैंने कल आप लोगों से बोला था मेरा एमआरआई होना है, तो एमआरआई के लिए शायद मैं मतलब खाना खाई थी और मैं चली गई थी, तो उन्होंने बोला था 2 घंटे खाने का, ऐसा कुछ बोला था, 2 घंटे खाना को हो जाए तब आपका होगा। तो फिर हम घर को वापस आ गए थे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं। और ये बता दूँ, ये रात का समय है, तो रात को मैं अपने खुद उठ के गई थी, क्योंकि मैं बता दूँ इतने सारे लोग हैं ना मेरे घर में, फिर भी क्या है कि मैं अपने सहारे से उठने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं चल पा रही हूँ। और एक जन शिव को चाहिए, एक जन देव को चाहिए, है ना, क्योंकि देव के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊंगी, इतना तो मैं कर ही लूंगी। तो मैं धीरे धीरे, मतलब कि आप मेरे कदमों से समझ सकते हैं कि मेरी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, मतलब मुझसे सीधे होते ही नहीं बन रहा है। और अभी फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो मुझसे कल बोला है उसको सुन के ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। डॉक्टर ने पता मुझे क्या बोला सबसे पहले, कि फ्रैक्चर है, जैसा मैंने आप लोग को कल बताया था कल को, तो वो फ्रैक्चर जो हमने बताया ना सर हमारा किडनी डोनेट है, तो बस बोले कि हमें बहुत ज़्यादा डर इस बात का बस लग रहा था कि किडनी में कोई चोट वगैरह ना लगी हो। और बोला है कि तुम्हारे एक्सरे में तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, पर तुम्हें चोट ज़्यादा है, क्योंकि जो डॉक्टर को हमने पहले दिखाया था ना, तो वो खुद बोल रहे थे कि ये इन्होंने कैसा तुम्हारा इलाज किया, आज 8 दिन हो गया तुम्हें इतना भी आराम नहीं है। तो इस डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी कुछ इस तरीके की दी है जो मतलब कि किडनी में कोई असर नहीं करे, है ना, और ये चीज़ें हैं। तो बोल रहे थे बेटा एमआरआई करा लेना, फिर एमआरआई की रिपोर्ट हमें बता देना। हम गए तो उन्होंने बोला कि कब तुमने खाना खाया, तो हमने बोला सर इतने घंटे पहले, तो बोले अभी ना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे जहाँ हमने कराया था, तो जो हमने सोचे थे जो हमारी गोलियाँ हमें खानी थी शायद यहाँ वापस हो जाए, पर वापस नहीं हुई थी। कर देखो ये वाला हॉस्पिटल ही हम आए थे, और यहाँ पे मैं बोलने बोलने आई थी कि सर मुझे तो कोई आराम नहीं लगा। कई बार क्या होती है, अगर गोलियां आपकी महंगी है और वहीं जाके वापस करो तो वो पैसे वापस मिल जाते हैं। कहना चाहिए मेरे लिए ना 100 रुपये 50 रुपये भी हमारे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ है। और वो तो मेरी 800-900 की दवाइयां आई थी, पर उन्होंने वापस नहीं किया। वैसे क्योंकि ना कई बार क्या है कि अब तो हम मेडिकल का इतना नॉलेज हो गया है, मतलब दवाइयों के बारे में, जो दवाइयां हम नहीं खाते हैं ना रखी रहती हैं और एक्सपायरी नहीं होती, तो वो वापस हो जाती हैं। और यहाँ पे ये सासू माँ थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा कैसा नहीं। मैंने कहा क्या दर्द ही कम नहीं है, क्योंकि देखो 8-10 दिन होना, थोड़ा बहुत तो आराम मिलना चाहिए ना, नहीं था। और जो डॉक्टर ने देखा है उन्होंने ऊपर से कोई ट्यूब कोई मलहम कोई ऐसा ना पट्टा वगैरह नहीं लगाया है कि वो भी प्लास्टर होता है, ना ही कोई ऑपरेशन के लिए बोल रहा है। अच्छा आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे आती क्या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, कहाँ आपको है, तो उन्होंने फ्रैक्चर बस बताया है, पर ये बोला है कि आपको रेस्ट करना है, 20 डेज रेस्ट करना है, पहले हमें एमआरआई रिपोर्ट दिखाओ, उसके बाद आगे हम अनुसार और आगे अपना काम बताएंगे आपको। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ना अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट डे का क्लिप यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कोई ना कोई मेरा व्लॉग है जो बना दे रहा था, और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारा सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए दादी खिला रही थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, शायद ही भाभी ने बनाया था, हाँ कुछ देव आप दे ब्लॉग देव ने बनाया है, कुछ इन्होंने बनाया है, कुछ ऐसे सब लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, कुछ और भी बातें आप लोगों से बतानी है ना, तो अभी सही समय आने दीजिए उस चीज़ों का, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए शिव बड़े अच्छे से बैठा बैठ जाएगा अब दादी के पास ना, और मैं बोलते बोलते भी थक जा रही हूँ अभी ना, क्या एक्चुअली ना मुझे इतना दर्द में हूँ कि मेरी खुद की बॉडी अभी मेरा साथ नहीं दे रही, कितना और मैं दूध पी रही कुछ भी ना किसी भी चीज़ का मन ही नहीं है। फिर भी ये लोगों ने मुझे बोला कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ खा लो, तो मैं यहाँ पे अपने हाथ से पोहा खा रही हूँ, ये देखो। और कहते हैं लहसुन में भी कैल्शियम होता है, जो चीज़ें कैल्शियम वाली है ना वो चीज़ें मैं ज़्यादा चीज़ें खा रही हूँ। और ऐसे कुछ खाने पीने के लिए कोई परहेज वगैरह तो नहीं बताया, पर ये बोला है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ। अभी देखिए लेट के नहीं खाना है, पर लेट के मैं दवाइयाँ पीती हूँ, मतलब मुड़ते भी मुझसे बन नहीं रहा है, हालांकि उन्होंने बोला लेट ना आ जाए, तुम ऐसे लेट हो चाहे उस करवट लेट हो कैसे भी, पर
तुम्हें चलना बैठना कुछ भी नहीं हो, वरना बड़ी ये प्रॉब्लम बन सकती है। और यही सब चीज़ है। उसके बाद देखिए फिर ना सबने बोला कि चलो अब चलो, तो फिर मैं यहाँ पे खाना खा नाश्ता बस की थी, और मैं इसकी 3 घंटे बाद दोपहर को यहाँ पे मैं जा रही MRI के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, तो मैंने मम्मी को बुलवा लिया था, भाभी घर चली गई थी। तो अभी मम्मी और भाभी, कोई एक जन आ रहा है तो कोई एक जन जा रहा है, और यहाँ पे सासू माँ के साथ मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे ना ऑटो होता तो ऑटो में क्या है, दचक्के लगते, मतलब आपको पता है ऑटो वाली सीट कैसी होती। तो उन लोगों ने बोला कि कार का जो ओला होती है ना, ओला ओला कर लेते हैं तो ये अच्छे से होगी और ये सेफ ट्रिप रहेगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे से यहाँ पे घुसते भी नहीं बन रहा था लेट की, देखो मैं ऐसे बैठ रही थी ना तो मेरी एकदम मुड़ गई थी। तो फिर लोगों ने बोला कि चलो लेट जाओ, तो फिर देखो यहाँ पे मैं जैसे तैसे करके लेट गई थी, और लेटे लेटे ही मैं गई थी। मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, मुड़ने में प्रॉब्लम, मतलब एक अंग आप पूरा ये समझ लीजिए कि मेरा डैमेज हुआ है। और जब उन्होंने बोला ना किडनी के बारे में कि बस किडनी के, तुम्हारी किडनी में चोट ना आई हो, बस इतना बस तुम करा लो, तो उस चीज़ों को सोच सोच के धक धक हो रहा था, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही लेटे लेटे गई थी, ये देखिए छोटे छोटे सही देखिए दिमाग कहाँ है मेरा, लेटे लेटे ही मैं गई थी। तो यहाँ पे जो भैया थे वो गए हुए थे, और मेरे देवर गए हुए थे। हाँ आपने देखा होगा ना, तो मैं देवर को बुला लिया था, क्योंकि एक जन का स्ट्रांग होना जरूरी है। इनको पर इनको चलते ही नहीं आता, वो मुझे क्या सहारा देंगे। तो फिर मेरे देवर को हमने बुला लिया था, मैंने बोला छोटे भाई से, तो वो भी आ गए थे और वो भी ले गए थे। कहना चाहिए पूरा परिवार ही मेरे कारण पीछे परेशान है। और इससे क्या है, इससे ना सेफ्ट ट्राई का इस वजह से, क्योंकि देखिए पहले से ही फ्रैक्चर है, अगर ऑटो में जाएंगे उतरने, क्योंकि ऑटो की सीटें भी ऊंची रहती है, तो इन लोगों ने ये सोच समझ के फिर ये बुक कर दिया था। अभी कहना चाहिए कि अभी ही हमारी ज़िंदगी में सुधार आया था, कोशिश कर रहे थे हम, अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की, पर शायद खुशियाँ ही मेरे नसीब में नहीं है। और अब मैं भगवान खुश रहूँगी भी नहीं, शायद आपको ही मेरी खुशियाँ मंजूर नहीं है, जो कभी कभी मुझे इतनी सारी भगवान परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जो भी होगा जैसा भी होगा आगे की वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए उसके बाद ना फिर हम बैठे हुए थे, लेटे भी चैन नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर मैं बैठी फिर बैठ गई थी अपने हाथों के बल से, और आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। और फिर मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि मुझे पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म करे जो मुझे इन कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो वो मुझे समझा रही थी कि नहीं कुछ मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। पर देखिए जब हालात परिस्थितियां हम इस बीच मोड़ में ला के खड़े कर देती है ना, ना हमें उस पार कुछ दिखाई देता है, ना ही हमें कुछ इस पार दिखाई देता है, तो हम टूट जाते हैं, स्वयं टूट जाते हैं। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी हालत खुद दिख रही होगी। मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं था कि मैं किसी से क्या बात करूं, बस अंदर ही अंदर ना एक कहते हैं ना, टूटा हुआ कोई व्यक्ति रहता है तो वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, इसलिए। और मम्मी हालांकि मुझे समझा रही थी कि ठीक होगा ठीक होगा, ये तो मुझे भी पता है ठीक होगा, पर कब होगा, अभी तो मुझे तकलीफ़ हो रही है ना। और MRI के लिए सासू माँ बहुत ज़्यादा घबराती, इसलिए मैं और देवर को ले गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ब्लड देख लेती कोई भी ऐसी चीज़ें तो उनको घबराहट होती है। तो यहाँ पे वो मुझे बोल रही थी चलो चलना है, तो मैंने कहा ठीक है। और मम्मी घर पे थे, देव और शिव को भी देख रही थी वो, और बहन भी मेरी आ गई थी। लोगों को सच में बहुत टेंशन। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद, अच्छा MRI के लिए ना वहाँ पे मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं होता है, जैसे मंगलसूत्र पहनना नहीं होता है, कान के वाले मतलब कुछ भी, असल में कान के वाले वगैरह कुछ ऐसे डाल के नहीं गई थी, चूड़ी वगैरह सब। तो यहाँ पे ना चेंजिंग रूम में उन्होंने चेंज करवाए थे इन्होंने, नर्स ने। और अब MRI होगा सो मेरे कपड़े चेंज हुए थे, नर्सिंग गाउन होती है ना वो पहनने के लिए दिए थे। तो
वहां पे मेरे ना इतना पेन हो रहा था, मैं बोल रही थी नहीं ऐसे ही कट रहा जी प्लीज प्लीज। और जब मैं लेटी थी, क्योंकि मुझसे ना जैसे ऊपर सिर रहता है नीचे पीठ रहती है, बिल्कुल ऐसे चित लेटते नहीं बन रहा है, तो इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, चिल्ला रही थी मैं, बोलती नहीं तो हिम्मत करो। मैंने कहा मैडम हिम्मत नहीं है, वरना मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ। फिर उसके बाद सासू माँ भी बोलती है कि करो हिम्मत करो, हमने कहा नहीं है। और सच में ऐसा झटका सा लगता है ना, करंट टाइप का लगता है, मत पूछिए, सच में बहुत 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 बुरी कंडीशन वाली है। यहाँ पे जांच के दौरान दरवाज़ा खोलने के लिए मना था, तो MRI, क्योंकि MRI के पास फ़ोन वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता इस वजह से। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करने गई थी, कपड़े चेंज करके आ गई थी, मुझसे ना निकलते भी नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद एक तरफ मम्मी थी, मतलब मेरी सासू माँ थी, एक तरफ ये थी, देखो कितने धीरे धीरे से आ रही हूँ मैं। और फिर कंगन वगैरह जो भी थे ना, वो सब कुछ उतरवा देते हैं, कहते फिर मशीन वो कैच करती है, जो भी हो नहीं पता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान इतने कष्ट क्यों, ठीक है पर। और फिर आप ही लोग बोलते हैं कष्ट भी भगवान उन्हीं को देते हैं जिनको भगवान सहने की क्षमता रखता है ना। पर मुझसे सहन भी नहीं हो रहा है भगवान, अब सहन नहीं हो रहा है मुझसे ये कष्ट। और यहाँ पे फिर मैं इनसे बार बार पूछ रही थी, शिव को फ़ोन लगाए, मतलब देव को फ़ोन लगाए, ठीक है लोग तो बोले चिंता मत कराती, यहाँ पे आई यहीं की चिंता करना। और यहाँ पे फिर उसके बाद कोई और भी गया था, इसके बाद मेरा नंबर आएगा और देखते हैं। हमारी इसी ब्लॉग में मैंने अपनी रिपोर्ट भी शेयर की, थोड़ी सी बात तो है घबराने वाली, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी है कहीं ना कहीं। जैसे ही हमने देखा रिपोर्ट तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी एक पल के लिए हमारे। और नेक्स्ट डे आनी थी इसकी रिपोर्ट, मतलब कि नहीं मिल तो जाएगी 2-3 घंटे में, पर उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट डे भी आ सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है का वो है ना, मतलब MRI का है, वो हमारे घर से घंटों दूर है, तो क्यों इतनी देर तक रुकना। वैसे ही मुझे ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था, तो फिर यहाँ पे देखिए माँ जी आ गए थे, बोल रहे थे कुछ खाना पीना है तो बता दो हम, पर मेरी इच्छा ही नहीं है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे वैसे भी चाहे मायके के लोग हो चाहे ससुराल के लोग हो, दोनों ही परेशान हैं। और पर क्या करूं यार, मैं कुछ नहीं कर सकती है ना। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, उसके लिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा ना, कि अभी मैं कहीं और वॉइस ओवर कर रही। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे सुबह सुबह का है, और शायद जो आने वाला वीडियो होगा आपको थोड़ा सा उसको सुन के अफसोस भी लगेगा। तो यहाँ पे ना मम्मी कर रही थी लोई शिप की, और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, मैं बोल रही थी मम्मी मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मम्मी को जितना बोल रही थी उनको तकलीफ हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं आती, शायद अभी बुरा समय है, ऐसा नहीं कि बुरा बुरा ही रहेगा। तो ये लोग बोल रहे थे कि जैसा अच्छा लगे वैसा करो, तो इस तरीके से लेटते तो बन जाता है मुझसे जैसे लेटी हुई हूँ, पर वैसे लेटते नहीं बनता। तो ये लोग बोल रहे थे कि लेटने की कोशिश करो, तुमसे लेटते नहीं बन रहा है। और मुझे भी कहीं ना कहीं यही डर लग रहा था कि कहीं मेरी कमर में प्रॉब्लम। जब वहाँ पे मैंने इतने सारे मरीजों को देखा ना, जैसे हड्डी वाले कि किसी को ब्लड जम गया, हाँ, और जो सिर का मेरा है ना वो सब भी MRI पे आएगा, जैसे नाक से ब्लड निकला, अचानक सर दर्द होना। वैसे उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे सर में वो नाक से क्यों निकला था, हमने बोला हमें नहीं पता। तो बोल रहे थे चलो ठीक है इसमें ही देख लेंगे आप। तो अभी तो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया हुआ है हमने, है ना, अब इसके डॉक्टर को अलग से दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या और देखना बाकी रह गया है। शायद अब मेरे बुरे कर्म मैंने बहुत करे हैं सच में, जो भगवान ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। मतलब अच्छा भला जब इंसान बिस्तर से लग जाता है ना, तो उसको बहुत 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 दुख होता है, और कहीं ना कहीं मुझे उतना ही दुख हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मैं इस तरीके से मुझे आप इस घड़ी में लाके खड़े कर दो, क्योंकि हम पति पत्नी, मेरे पति की हालत तो आप जानते ही हैं, पर हम पति पत्नी में दोनों में से किसी को इतना स्ट्रांग बनना है, इतना स्ट्रांग रहना है कि बच्चों को हम संभाल सकें। और दोनों ही खटिया से लग जाएंगे, दोनों ही बिस्तर से लग जाएंगे, मतलब तो क्या होगा फिर, आप समझ सकते हैं ना। और बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है। चलिए उसके बाद फिर हम आगे करते हैं अपनी रिपोर्ट शेयर, और फिर मिलते हैं बाद में।
क्या बोलेंगे, रिपोर्ट तो दिखाओ मेरे को। ये मेरी रिपोर्ट आ गई है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये MRI की रिपोर्ट है मेरी। अरे पिक्चर दिखा दो ना, पिक्चर। तो ये पिक्चर है, ये पिक्चर, ये MRI की। अच्छा उस पर लिखा हुआ ना? नहीं, रिपोर्ट तो बाहर है। नहीं तो ये पूरी रीढ़ की हड्डी बस का है ना, पूरी तुम्हारी कमर की। एक बात है बस घबराने वाली, मैं बाकी सब ठीक है। टोटल 20 दिन और कुछ नहीं बोले। और किडनी वाला कहाँ लिया इस पे? सबसे ज्यादा किडनी का टेस्ट हुआ है, रख लें। किडनी वाला कहाँ है? किडनी वाला किडनी की रिपोर्ट कहाँ है? कौन सी रिपोर्ट? मुझे किडनी का चेकअप नहीं हुआ था। सब एम है, सब किडनी को चेक नहीं किया, सब कमर की साइड में किडनी दिखा रहे। तो नहीं, किडनी के पास नहीं हुआ, समझ गए ना?